The Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy. हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा है जिससे हम परिचित हैं, जिससे हम सोचते हैं, जबकि सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा है जो छुपा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत कुछ कर सकने की काबिलियत है, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम अपने आप को रोगों से दूर रख सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने सपनों को सच करके एक खुशहाल जिंदगी जीना सीख सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अपने अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाकर अपनी जिंदगी को एक नया रुख दे सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। वे जो अपने फैसले सही से नहीं ले पा रहे हैं, अच्छी सोच रखने से कैसे आप खुशी पा सकते हैं। पहला सबक, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो भी सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मान लेता है। अगर किसी काम को करने से पहले हम ये सोचें तो हम उस काम को जरूर कर लेंगे। इसका उल्टा सोचने पर उल्टा ही होगा। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड पर जीत हासिल करके बड़े बड़े काम किए हैं। इनमें से एक नाम है स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स एस डेली। ऑपरेशन से पहले वो अपने मरीजों को ये यकीन दिलाते थे कि वे उन्हें जरूर ठीक कर देंगे। उनके मरीज इस बात को मान लेते थे, जिससे उनके सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता था और यही असर उनके शरीर पर भी देखने को मिलता था। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझने के लिए हम हिप्नोटिज्म का एग्जांपल ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जादूगर लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे कोई भी काम करवाते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे उनके कॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाते हैं कि अब वे उनके वश में हैं। इसके बाद उनका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेता है और वे वही काम करते हैं जो उनसे कहा जाता है। आप खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर इससे कुछ भी करवा सकते हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को यकीन दिलाइए कि आप वो काम कर सकते हैं। इसके बाद बचा हुआ काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। दूसरा सबक, अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर आप हर मुश्किल हालात पर जीत हासिल कर सकते हैं। एक बार एक राजा थे, उनके पास एक जादुई तलवार थी। उस तलवार को लेकर जब भी वे किसी से युद्ध करने जाते तो जीत कर ही वापस आते थे। एक दिन उनकी वो तलवार खो गई और वे निराश हो गए। उन्हें लगा कि वे अब कोई भी युद्ध नहीं जीत पाएंगे और अपनी प्रजा की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि जो भी उस तलवार को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। दो दिन बाद उनके एक मंत्री ने वो तलवार उन्हें ढूंढ कर दे दी। अब राजा फिर से सभी युद्ध जीतने लगा। 5 साल के बाद राजा के एक मंत्री ने उन्हें बताया कि वो तलवार नकली थी, असल तलवार तो तहखाने में मिली। अगर वो तलवार नकली थी तो राजा नकली तलवार से सभी युद्ध कैसे जीत पाए? जादू तलवार में नहीं था, उनके सबकॉन्शियस माइंड में था। जब वे सोचते थे कि तलवार के होने से वे सभी युद्ध जीत जाएंगे तो वे जीत कर ही वापस आते थे। इस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी यकीन दिलाकर उसे हकीकत में बदल सकते हैं। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है पहले के जमाने में इलाज करने का तरीका। पहले जब भी कोई बीमार होता था तो उसे विश्वास दिलाया जाता था कि भगवान उसके साथ है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मरीज जब इस बात को मानकर सो जाते थे और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते थे। उन्हें ठीक करने का काम उनका सबकॉन्शियस माइंड करता था। तीसरा सबक, सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक लड़की की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक बैट्समैन बनकर स्टेडियम में क्रिकेट खेले। हर रात सोने से पहले वो सोचता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा बैट्समैन बनेगा। वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था जिसके परिवार वालों की सोच थी कि उसे पढ़ लेकर एक अच्छी नौकरी करनी चाहिए। लेकिन फिर वो हर रात अपने आप को स्टेडियम के बीच खड़ा हुआ देखता था। आज उस लड़के को हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। अपने सपनों के बारे में रोज सोचकर हम उसे हकीकत में बदल सकते हैं। सफलता पाने के लिए सफलता के बारे में सोचते रहना और पॉजिटिव सोच रखना ही काफी है। अपनी सोच अच्छी रखने का एक तरीका है कि आप जलन करना छोड़ दें। अगर आप किसी से ईर्ष्या करेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपसे आगे है और अंदर ही अंदर आप अपने आप को छोटा समझने लगेंगे। इसीलिए
आप इसका उल्टा सोचिए। आप सोचिए कि सभी लोग आगे बढ़ें और तरक्की करें। दूसरों के बारे में अच्छा सोचने से आप खुद के बारे में भी अच्छा सोच पाएंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिला पाएंगे कि आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर अपने शौक को भी पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक फार्मासिस्ट को ले लीजिए जो अपने काम से बहुत प्यार करता था और खुद की एक दवाई की दुकान खोलना चाहता था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। एक दिन वो एक चेन स्टोर में काम करने चला गया और खूब मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे वो वहाँ का मैनेजर बन गया और उसके पास इतने पैसे हो गए कि उसने खुद की एक दवाई की दुकान खोल ली। चौथा सबक, अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल से अपने फैसले आसानी से ले सकते हैं। क्या आप कभी कभी तय नहीं कर पाते कि आपको कोई काम करना चाहिए या नहीं? क्या कभी कभी आप दो रास्तों के बीच खड़े होते हैं और फैसला नहीं कर पाते कि किस पर चलना है? अगर हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड इसमें आपकी मदद कर सकता है। एक बार एक महिला को किसी दूसरी कंपनी से एक नौकरी का ऑफर आया जहाँ उसे दोगुनी सैलरी पर काम पर रखा जा रहा था। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे वो नौकरी करनी चाहिए या नहीं, तो उसने ये काम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दिया। वो महिला ध्यान करके सो गई और अगली सुबह उसे ये लगा कि उसे वो नौकरी नहीं करनी चाहिए। कुछ ही महीनों बाद वो कंपनी बैंक्रप्ट हो गई और बंद हो गई। इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही रास्ता दिखाता है। सबकॉन्शियस माइंड से आप अपने लिए एक अच्छा पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये फैसले लेने में भी आपकी काफी हद तक मदद कर सकता है। आप अपने मनचाहे पार्टनर की खूबियों के बारे में सोचते रहिए। जब ऐसा कोई भी आपके सामने से गुजरेगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे तुरंत ही पहचान लेगा। पांचवा सबक, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुशी ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है। अगर हम अपने अंदर से नेगेटिव सोच को निकाल दें तो हम आसानी से खुशी पा सकते हैं। खुश रहने के सारे तरीके आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। बाहरी चीजों से आप कभी खुशी नहीं पा सकते। एक बार एक सेल्समैन ने लेखक से सलाह मांगी। वो सेल्समैन बहुत मेहनत करता था लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। वो मन ही मन अपने बॉस को बुरा भला कहता रहता था। वो सोचता था कि उसका बॉस उससे नफरत करता था, इसीलिए वो उसे प्रमोशन नहीं दे रहा था। लेखक ने उसे अपनी सोच बदलने की सलाह दी। उस सेल्समैन ने अपने बॉस के बारे में अच्छा सोचना शुरू किया और वो रोज उनसे उनकी सेहत के बारे में पूछता था। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और उसे सेल्स मैनेजर बना दिया, साथ ही में उसकी सैलरी भी बढ़ा दी। खुश रहना आपके हाथ में है। आप अच्छी सोच रखकर खुशी पा सकते हैं। कभी कभी हम अपनी किसी गलती के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते और अपने आप को ही सजा देते रहते हैं। अपने दुख को अपने रास्ते से हटाने के लिए हम अलग अलग रास्ते अपनाते रहते हैं और कभी कभी नशे का सहारा लेते हैं। ये आदतें दुख और बीमारियों को न्योता देती हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को माफ करना होगा। आप अपने अंदर से गलत भावनाओं को और नेगेटिव सोच को बाहर निकालिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने दुख से आजादी पा रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। छठा सबक, अपने डर को मात देकर जवान रहना सीखिए। आपने जिंदगी में जो कुछ भी चाहा है वो आपको डर के उस पार मिल जाएगा। डर सिर्फ एक भ्रम है जो आपको सच्चाई नहीं देखने देती। एक बार एक आदमी की CA की परीक्षा थी। परीक्षा के 25 दिन पहले वो बहुत डरने लगा। अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा? उसे डर लगने लगा कि अगर वो फेल हो गया तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसी वजह से उसने फैसला किया कि वो परीक्षा नहीं देगा। इस पर उसके पिता ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि अगर वो परीक्षा दे देगा तो कम से कम वो कोशिश तो करेगा। हारना या जीतना बाद की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। काफी समझाने पर वो लड़का मान गया और उसने फैसला किया कि वो परीक्षा देगा। उसने परीक्षा दी और वो अच्छे नंबर से पास हुआ। अक्सर लोगों को बूढ़े हो जाने का डर रहता है। क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापा किसे कहा जाता है? जब आप कुछ नया करना छोड़ देते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं। अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आप हमेशा कुछ नया सीखते और करते रहिए। कुछ लोग रिटायर होने के बाद घर पर बैठ जाते हैं और अपने मरने का इंतजार करने लगते हैं। उनके हिसाब से अब उनकी जिंदगी में कुछ नहीं रह गया। उनके शरीर की ताकत खत्म हो गई और अब बस घर पर बैठकर सोना और आराम करना ही उनकी जिंदगी का मकसद रह गया। जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तब आप बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सोच बूढ़ी हो चुकी है। अगर आपको जवान रहना है तो आप अपनी सोच को जवान रखिए। रिटायर होने के बाद आप दुनिया घूम सकते हैं और अपने बचे हुए शौक पूरे कर सकते हैं। आप किसी भी उम्र में अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। कुल मिलाकर सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है
और इसकी शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी के फैसलों को आसानी से ले सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं, रोगों से लड़ सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। क्या करें, डर पर काबू पाने के लिए आप ये तरीका आजमाइए। आपको जिस भी काम में डर लगता है, आप रोज सोचिए कि आप उस काम को कर रहे हैं और लोग आपको इसके लिए शाबाशी दे रहे हैं। ऐसा करने से ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और आप अपने डर से आजादी पा लेंगे।